देखिए दोस्तों, आज हम बना रहे हैं भरता करेले की सब्ज़ी। बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। ये देखिए, हमने थोड़े से करेले लिए हैं और इन्हें हम धो रहे हैं और इन्हें देखिए इस तरह से काट लेते हैं और उसके बाद हम भरे करेले की सब्ज़ी तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इनके बीज निकाल लेते हैं। ये देखिए, हम सभी करेलों के इस तरह से बीज निकालेंगे। देखिए, हमारे सभी करेले के बीज निकल चुके हैं और इसके बाद में देखिए, अब हम लहसुन छील लेते हैं और उसमें हम प्याज भी डालेंगे। तो हमने 3 प्याज लिए हैं और 4-5 कली हमने लहसुन लिया है। देखिए दोस्तों, इस तरह से इन्हें हम छील लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे प्याज कट चुके हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं सब्जी। ये है सरसों का तेल। तो दोस्तों, हमने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है और हम पहले इसमें करेलों को तल लेते हैं। आँच को बिल्कुल धीमा रखना है दोस्तों और इन्हें हम चलाते जाएंगे और थोड़ी देर के लिए हमने ढक देंगे ताकि ये थोड़े से पक जाएँ। देखिए, इन्हें शुरू में थोड़ी देर हम चलाते हैं। आँच को हमने बिल्कुल धीमा किया हुआ है। देखिए, इस तरह से हम इन्हें थोड़ा पकने देते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, थोड़ी देर बाद हम इन्हें देख लेते हैं। तो नीचे की तरफ से थोड़े पक गए हैं और अब हम इन्हें चला देते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी पक जाएं। और इस तरह से देखिए दोस्तों, ये पक रहे हैं। फिर से देख लिया है, देखिए ये तो पक गए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए, इस तरह से ये इनका कलर हो जाता है। देखिए दोस्तों, लगभग ये पक गए हैं और बाकी ये करेले मसाले में पक जाएंगे।
ये देखिए दोस्तों इस तरह से। तो चलिए अब हम मसाला छौंक देते हैं। ये है देखिए सौंफ है दोस्तों, और उसके बाद में हमने इसमें डाला है प्याज, और इन दोनों को हम धीमी आंच पर भूनेंगे। देखिए इस तरह से हम मसाले को भूनने देते हैं। धीमी धीमी आंच पर हमारा मसाला भून रहा है। देखिए दोस्तों इसमें हम हल्दी मिर्च नमक स्वाद के अनुसार इसमें डाल देंगे दोस्तों। देखिए तो पहले हम धीमी आंच पर भून लेते हैं, और हमारा मसाला भुन गया है दोस्तों। तो हमें इसमें हल्दी मिर्च और इसमें नमक और थोड़ा पिसा हुआ धनिया हमने इसमें डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। मसाले को थोड़ा सा और हम भुनेंगे ताकि सारा मसाला आपस में मिल जाए। देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है, और भरवा करेले खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हमने इसमें पानी कर दिया है ताकि हमारा मसाला बिल्कुल बढ़िया से भुन जाए। हमारा मसाला भुन गया है दोस्तों, और इसमें हमने जो बीज निकाले थे उन्हें हम इसमें डाल देते हैं। इन्हें भी हम 2-4 मिनट पका लेते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से हम इन्हें भी भून लेंगे, और ये बिल्कुल भून गए हैं तो हम इसमें हमारे करेले डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमने करेले, इनको हम डोरे से बांध देते हैं ताकि ये खुले नहीं, मसाला इनके भीतर रहे और इनका टेस्ट बढ़िया बना रहे दोस्तों। देखिए धागे से हमने इसे बांध दिया है। देखिए ये देखिए दोस्तों जो मसाला अभी हमने तैयार किया है उसी को हम इसमें भर रहे हैं, और ये देखिए डोरे से हमने इसे बांध दिया है। बस इसे ऐसे ही कर देते हैं, सारे करेले हम भर लेंगे, मसाला हम इसमें बढ़िया भरेंगे ताकि अच्छे लगे। एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं भरेंगे, बस थोड़ा बहुत इसमें भर देते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से हम सारे करेलों में मसाला भर लेंगे। तो हमारा मसाला भरकर तैयार हो गया है ये देखिए दोस्तों। तो अब हम इन्हें तलते हैं। ये हमारा बचा हुआ मसाला है, और इसी में हम इनको तल देंगे दोस्तों। देखिए अब ये 2-4 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं। करेले भरवा बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो ये देखिए दोस्तों थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि आपस में मसाला मिल जाए और ये सब्जी तैयार हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों हमारी भरवा करेले की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, और ये बहुत ही बढ़िया दिख रही है, और ये बन भी बहुत ही स्वादिष्ट है दोस्तों। ये देखिए इसे हम थोड़ा चला देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। हमारी वीडियो देखते रहिए, बहुत ही बढ़िया दिखिए।